स्टूडेंट हेयर इज़ द फैक्टर एनालिसिस रिज़ल्ट एंड इंटरप्रटेशन हमने फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म कर लिया और परफॉर्म करने के बाद उसके जो रिज़ल्ट हैं उनको हम इंटरप्रेट कैसे करें और समाइम्स हमें होता है कि हमारे पास रिज़ल्ट आ जाते हैं और रिजल्ट आने के बाद हमें कहते हैं कि इसको इंटरप्रेट करना है तो समाइम फैक्टर एनालिसिस की हमारे पास विंडो आ रही है फैक्टर एनालिसिस के रिज़ल्ट आ गए हैं उन रिज़ल्ट की इंटरप्रटेशन हम यहाँ चेक करते हैं हेयर इज़ द फैक्टर एनालिसिस रिज़ल्ट

ह्यूमरस लें अल्ना लेन चिकन बोन है आपके पास यह आपके पास ह्यूमरस और अलना ये लेग की बोन है और ये आपके पास उसके फेदर की बोन है और वेरिएबल हमारे पास हैं टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वेरिएबल अब इन सिक्स वेरिएबल्स के हमने फैक्टर एनालिसिस रन किया के एम ओ चेक की के एम ओ बहुत बेस्ट आ गई है उसके बाद उसने कहा जी फैक्टर एनालिसिस आप इस पर रन करें

पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन फोर बट ये भी तो पॉइंट सेवन फोर वन पॉइंट सिक्स ये भी तो आपके पास फैक्टर ओर्डिंग्स हाई आ रही है यहाँ पे रिमेनिंग में अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो यहाँ सारी नेगेटिव है आपके पास फैक्टर ओर्डिंग्स और हायर वैल्यू आपके पास पॉइंट सेवन टू है और नेक्स्ट थर्ड में अगर देखा तो हायर वैल्यू मेरे पास पॉइंट फाइव थ्री है रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हैं वो कोई भी इस ग्रुप में लाइन नहीं कर रहा एस्टिमेटेड फैक्टर लोडिंग्स की इंटरप्रिटेशन करना थोड़ा सा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता डिफिकल्ट हो जाता है एस्टिमेटेड फैक्टर लोडिंग रोटेटेड फैक्टर लोडिंग्स जब हमने किए तो आप ये देखें अभी कितना डिफरेंस आ गया पहले तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट सिक्स फोर पॉइंट सेवन भी फर्स्ट में ये तो सारे वेरिएबल इंक्लूड हो रहे थे जब हमने रोटेटेड किया तो रोटेटेड ने शो कर दिए सिग्निफिकेंस डिफरेंस हमारे पास आ गया है कि ये फोर वेरिएबल्स का हम एक ग्रुप डिटर्मिन कर सकते हैं रिमेनिंग आपके पास काफी छोटी वैल्यूज आ रही हैं ये आपके पास वैल्यूज हैं तो इन फोर का हमने ग्रुप वन डिटर्मिन कर लिया यानी फर्स्ट फैक्टर डिटर्मिन हो गया जिसमें क्या है हमारे पास फेमल लेंथिया लेंथ ह्यूमरस लेंथ एंड अल्ला लेंथ अल्लाड अगर हम आऊ सेकेंड के अंदर तो सेकेंड में आप यहाँ देखो हे इज द फैक्टर लोडिंग जो हाइस्ट फैक्टर लोडिंग है रिमेनिंग तो आपके पास बहुत छोटी है जो इस ग्रुप में लाइनिंग कर सकती दिस इज दी हाइस्ट फैक्टर लोडिंग आ रही थर्ड और उसका क्या नाम है स्कल आ गया और थर्ड ग्रुप में अगर हम देखें तो वहां पे आपके पास ये फर्स्ट में हाईएस्ट फैक्टर लोडिंग है रिमेनिंग को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि रिमेनिंग इसके साथ लाइनिंग कर रही है तो ये हमारे पास टोटल आ गया बेसिकली तो हमें पता है कि सिंगल वेरिएबल का ग्रुप नहीं बनता बट अगर हमारे पास रिजल्ट ही ऐसे आ रहे हैं तो हमने उसको इंटरप्रेट करना है तो इंटरप्रिटेशन तो करनी है हमने उसकी तो इंटरप्रिटेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं रोटेटेड को हमने कंसिडर किया और रोटेटेड से हमने सिक्स वेरिएबल को थ्री फैक्टर के अंदर कन्वर्ट करके हमें दिया उसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं रोटेटेड इज द बेस्ट जिससे इंटरप्रिटेशन ईजिली हो सकती है लास्ट अगर आप यहाँ पे रो देखो तो क्यूमलेट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरियंट तो टोटल वेरियंस एक्सप्लेन कहाँ पे हो रही है थर्ड ग्रुप तक पॉइंट नाइन फाइव यानी नाइनटी फाइव परसेंट वेरिएशन एक्सप्लेन हो रही है हमारे पास ये थ्री फैक्टर सोल्यूशन जो है नाइनटी फाइव परसेंट वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं अब इन ये जो हमारे पास ये ग्रुप बन गया है बेसिकली अब इस ग्रुप का मुझे नेम देना है ये हमारे पास जो ग्रुप है इसका भी नेम आएगा और थर्ड इसका भी मुझे नेम डिटर्मिन करना है सो दिस इज दोल्यूशन सोल्यूशन तो हमने थोड़ा सा देख लिया उस डेटा के ऊपर कि सोल्यूशन बन क्या रहा है नाउ सोल्यूशन इज द बेस्ड ऑन द गि फैक्टर लोडिंग्स जो फैक्टर लोडिंग गिवन है हमारे पास चिकन बोन की डेटा की तो हमारे पास तो डेटा डिवेलप हुआ हुआ आया ना उस डेटा को हमने बेसिकली इंटरप्रेट करना है तो इंटरप्रिटेशन हम उसकी कैसे करें बेस्ड ऑन द गि फैक्टर लोडिंग्स फॉर द चिकन बोन डेटा बोथ द एस्टिमेटेड फैक्टर एंड द रोटेटिंग फैक्टर लोडिंग्स हमारे पास एस्टिमेटेड फैक्टर लोडिंग्स भी थे एंड रोटेटेड फैक्टर लोडिंग्स भी थे तो क्या डिटरमिन किया कि एस्टिमेटेड फैक्टर लोडिंग से इंटरप्रिटेशन प्रॉपरली नहीं हो रही और रोटेटेड फैक्टर लोडिंग से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं ईजीली एंड द रोटेटेड फैक्टर लोडिंग्स आर प्रोवाइडेड द फैक्टर लोडिंग्स आर लाइकली ऑपटेन आफ्टर अप्लाइंग फैक्टर अनालिसिस टू सिंप्लीफाई एंड इम्प्रूव द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्टर अब आपके पास क्या हो गया कि हम फैक्टर रोटेशन से इम्प्रूव यानी उससे हम बेटर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं सो इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्टर लोडिंग्स अब हमारे पास बेसिकली थ्री फैक्टर्स थे थ्री कॉलम्स थे फर्स्ट इज वेरिएबल, सेकेंड एस्टिमेटेड फैक्टर लोडिंग एंड थर्ड इज द रोटेटेड फैक्टर लोडिंग तो हमने क्या कहा फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट एस्टिमेटेड फैक्टर लोडिंग्स हमने फर्स्ट कॉलम को एस्टिमेटेड फैक्टर लोडिंग्स कह दिया है बेसिकली तो टेबल में वेरिएबल्स भी थे बट यहाँ पे हम कंसिडर उसकी इंटरप्रिटेशन में क्या करें कि फर्स्ट हमारे पास एस्टिमेटेड फैक्टर लोडिंग्स हैं एंड सेकेंड कॉलम इज द रोटेटेड फैक्टर लोडिंग्स ईच रो कॉरिस्पॉन्ड टू दब्जर्व्ड वेरिएबल ईच रो यानी रो वाइज हमारे पास वेरिएबल है और कॉलम वाइज हमारे पास फैक्टर लोडिंग्स हैं

तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन अब हम उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हैं कि हमने फैक्टर वन को नेम सजेस्ट करना फैक्टर वन रोटेटेड को हमने लिया हाई पॉजिटिव लोडिंग ऑन फिमर लेंथ दिस इज दाइस्ट फैक्टर लोडिंग नाइन जीरो फोर ह्यूमरस लेंथ एंड अलना लेंथ अब इन वेरिएबल्स का हमने कोई एक जो वेरिएबल्स हैं इनको कोई एक नेम सजेस्ट करना है कि ये फोर वेरिएबल्स एक ग्रुप में लाइक हैं और उस ग्रुप का नेम क्या है हमारे पास दिस फैक्टर में बी इंटरप्रेटेड एज बॉडी साइज क्यों बॉडी साइज का क्योंकि उसके अंदर लेंथ भी आ रही है आपके पास फिमर लेंथ भी आ रही है अल्ना लेंथ भी है ह्यूमरस लेंथ भी है तिबिया लेंथ भी है यानी कि आपके पास बोन्स की लेंथ के बारे में बताया जा रहा है जो लेग्स की और फेदर की लेंथ है तो हमने उसको क्या नाम दे दिया दिस इज दॉडी साइज अब ये फोर हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे वेरिएबल ये फोर वेरिएबल कन्वर्ट हो गए सिंगल फैक्टर में दैट इज कॉल्ड दी बॉडी साइज रिप्रेजेंटिंग ओवर ओवरऑल साइज ऑफ दी चिकन बोन बॉडी इंक्लूडिंग इट लेंथ ठीक है ये आपके पास उसका नाम क्या हो गया बॉडी साइज फर्स्ट फैक्टर फैक्टर जिसे रोटेटेड हम कह रहे हैं रोटेटेड से हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं शोज अ पॉजिटिव लोडिंग ऑन द स्कल ब्रेथ सेकेंड आपको पता है कि सेकेंड हमारे पास क्या था स्कल ब्रेथ हाइस्ट उसकी फैक्टर लोडिंग थी फोर नाइन अब इसको हमने क्या कह दिया है फैक्टर का नेम दे दिया स्कल साइज ठीक है ये हमारे पास स्कल साइज यानी सेकेंड फैक्टर अब स्कल ब्रेथ नहीं हम कहेंगे हम उसको अब इंटरप्रेट में लेंगे स्कल साइज थर्ड थर्ड वेरिएबल शोज पॉजिटिव लोडिंग ऑन स्कल लेंथ और फैक्टर उसकी हाईएस्ट लोडिंग क्या थी जीरो पॉइंट नाइन जीरो टू तो हमने अब स्कल लेंथ को इंटरप्रेट करना है यानी उसको नेम क्या दिया दिस इज शेप तो थर्ड वेरिएबल को हमने शेप का नेम दे दिया तो एक वेरिएबल था वो वेरिएबल हमारे पास स्काल शेप हो गया जिसको स्कल लेंथ कह रहे थे हम उसको स्काल शेप कह रहे हैं रिप्रेजेंटिंग शेप ऑफ चिकन स्काल एंड द लास्ट हमारे पास क्या हो गया क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरियंस के ये तीनों वेरिएबल्स जो तीनों ग्रुप्स हमारे पास हैं फैक्टर वन फैक्टर टू फैक्टर थ्री कितनी टोटल वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसको क्यूमुलेट कर रहे हैं क्यूमुलेटिव टोटल वेरिएशन कितने एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरियंस द्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरियंस शोज द परसेंटेज ऑफ द टोटल वेरियंस एक्सप्लेन बाय द एक्सट्रैक्टेड फैक्टर क्यूमलेटी यानी कि फैक्टर वन कितनी वेरियम वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है फैक्टर टू कितनी वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है फैक्टर थ्री कितनी वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है प्रीवियस अभी हमने टेबल में देखा था नाइन्टी फाइव परसेंट वेरिएशन एक्सप्लेन हो रही है और रिमेनिंग कितनी रहेगी फाइव परसेंट वो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं तो हमारे पास क्या होगी इसकी इंटरप्रिटेशन फैक्टर वन फैक्टर टू फैक्टर थ्री टूगेदर एक्सप्लेन अप्रॉक्सीमेटली नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल वेरियंस इन द डेटा तो टोटल ये थ्री आपके पास जो फैक्टर्स हैं ये 95 परसेंट वेरिएशन एक्सप्लेन करें सो द ओवरऑल हमारे पास क्या इंटरप्रिटेशन होगी ओवरऑल द फैक्टर एनालिसिस सजेस्ट द ऑब्जर्व वेरिएबल जो ऑब्जर्व वेरिएबल में हमारे पास कौन से थे टोटल सिक्स वेरिएबल थे स्कल लेंथ स्कल ब्रेथ फिमल लेंथ टिबिया लेंथ ह्यूमरस लेंथ एंड अल्ना लेंथ कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय थ्री प्राइमरी फैक्टर्स इन सिक्स वेरिएबल को थ्री फैक्टर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया और इन फैक्टर का नेम हमने दिया मेक इंटरप्रिटेशन मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है size, size, bone, mind, ना चिकन बोन्स जो हमारे पास बेसिकली तो डेटा चिकन बोन्स का था ना उसको फैक्टर लोडिंग्स के अकॉर्डिंग हमने बहुत ही इजीली तरीके से इंटरप्रेट कर लिया सो दिस इज द फैक्टर एनालिसिस रिजल्ट एंड इंटरप्रटेशन अगर हमारे पास इस तरह का टेबल आ जाए तो हमने उसको इंटरप्रेट कैसे करना है सो दिस इज द टुडेज लेक्चर